अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कंट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजमतों का ऐलान किया है। कुल 23 असामियाँ खाली हैं, 23 असामियों पर 23 खाली जगहों पर आप दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसमें से 22 कंप्लाइंस मॉनिटर की हैं और एक ऑफिस बेस वर्क इस्लामाबाद की है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उन ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाएगी जो ड्राइविंग लाइसेंस भी रखती हैं। सरकारी मुलाजमत में जो लोग हैं और वो उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, मुलाजमत लग जाती है, तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए ज़्यादा हौसला अफजाई इसमें की जाएगी। तो आप पूरे इश्तहार को पढ़ें, समझें, हम आपको इसका कवर कराते हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिक्रूटमेंट ऑन कंट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। इन कंटिन्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर हायरिंग ऑफ 57 पोस्ट ऑफ कंप्लाइंस मॉनिटर पब्लिश इन नेशनल रीजनल डेलीज ऑन 28 अगस्त। अब इसका आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं कि 28 अगस्त को भी 57 पोस्टों के लिए जो इश्तहार आया था बेनज़ीर, उसके तसलसल में ये दिया जा रहा है। और कितनी आपको इसमें सैलरी दी जाएगी सब दिया जाएगा इसमें आपको। आप पूरा डिटेल में आप ये पढ़ें। वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है www.bisp.gov.pk। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आज तकरीबन 18 सितंबर 2022 है, 15 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करें। इस वेबसाइट पे जाके क्वालिफिकेशन देखें, पोस्ट का नाम देखें, कंप्लाइंस ऑफिसर, वैकेंसी 23 हैं, एज पर कैटेगरीज मेंशन ग्रुप, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल, एज रिलेशन नहीं दी जाएगी, ये मैं आपको पहले इसमें बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा बीच में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दो, हैदराबाद में एक, कोहिस्तान में एक, लाहौर में एक, पंजाब में 3 असामियाँ, मुल्तान में एक और रावलपिंडी में एक। इसमें सिंध में रूरल और शहरी कोटे पर असामियाँ खाली हैं 17, बदीन में 2, कंबर शहजादपुर में 1, कश्मीर कनकोट में 2, ये आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स। पोस्ट रिजर्व फॉर ऑफिस बेस्ड वर्क, उसमें से 23 में से एक आसानी जो है ऑफिस बेस्ड वर्क होगी, बाकी कंप्लाइंस वाले आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये देखें, सारी डिटेल आप पढ़ें। इसमें रेफरेंस दिया हुआ है पिछले इश्तहार का। ड्यू टू रिसेंट फ्लड द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट 57 पोस्ट ऑफ कंप्लाइंस मॉनिटर अर्लियर एडवर्टाइज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पोस्टेड ऑन 28 अगस्त 2022 हैज़ बीन एक्सटेंडेड, यानी कि दरख्वास्त देने की तारीख में इजाफा कर दिया गया। 28 अगस्त 2022 को इश्तहार आया था सैलाब की तबाहकारी की वजह से, इसमें दरख्वास्त देने की तारीख आखिरी तारीख में इजाफा कर दिया गया। वो 57 पोस्टें आई थी, तो 28 अगस्त 2022 को अखबार अपनी चैनल आसानी के भी आप देख सकते हैं, और उनकी भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। डिस्ट्रिक्ट भी दिए हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डोमिसाइल इन डिस्ट्रिक्ट से होगा उनको तरजीह दी जाएगी। वैसे पूरे पाकिस्तान से लोग चाहे किसी भी शहर और ज़िले के हों, डोमिसाइल के हों, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रिजर्व फॉर फीमेल, सिंध में सांगड़ और बदीन के इलाकों के लिए जो ख़वातीन हैं उनके लिए रिजर्व की गई हैं पोस्ट। अब ये आपको अप्लाई किस तरह करना है आपको देख सकते हैं। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग रिटर्न टेस्ट, यानी कि जो अप्लाई करेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको रिटर्न टेस्ट के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। कोई TADA नहीं दिया जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया, जो कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्विस में है अगर उनकी यहाँ मुलाजमत लग जाती है तो उनको पहली मुलाजमत से रिज़ाइन देना पड़ेगा। BISP इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड इंकरेज ऑल जेंडर्स एंड अदर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे इलाकों से या ऐसे माशरे तलब होते हैं जहाँ जो है वसाइल या पसमानदा इलाके हैं वसाइल का, मैं उनको तरजीह दी जाएगी। कोई एज रिलेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया नहीं दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट हैविंग वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस में आल्सो अप्लाई, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है फीमेल कैंडिडेट, उनको इंकरेज भी किया जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन दी रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, लेकिन उन असामियों में जो रिजर्व की गई हैं लाजमी नहीं है ये चीज़। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू
अप्लाई ऑनलाइन 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जाके। हार्ड कॉपीज़ जो है ऑफ एप्लीकेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शेल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ऑनलाइन अप्लाई करें, और अगर कुछ चालान आपको जमा कराना है तो पहले बैंक में जमा करा के उस कॉपी स्कैन करके आप उसको जमा कराएं, फिर वेबसाइट पे जाएं, डिटेल देखें और इस तरह से आप इसमें दरख्वास्त दें। उम्मीद करते हैं ये आपको एडवर्टाइजमेंट हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। इस पर एक बार दोबारा कराते हैं आपको ताकि आप इसमें मज़ीद जो है आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इसमें दिए हुए हैं इस्लामाबाद के एड्रेस पर।